नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। कोरोना गाइडलाइन के साथ आज से खुले पहली से लेकर पांचवी तक के स्कूल। कोरोना के कारण स्कूल के दरवाजे पर लगा ताला अब धीरे धीरे करके खोला जा रहा है, जिसके तहत अब प्राइमरी सेक्शन के भी छात्रों की कक्षाओं का संचालन आज से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कर दिया गया है, जिसके तहत आज से सभी सरकारी स्कूल में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। हालांकि निजी स्कूल की बात करें तो फिलहाल निजी स्कूल और केंद्रीय विद्यालय में एक से पांचवी तक के स्कूलों को तो खोल दिया गया है, लेकिन यह भी साफ कर दिया गया है कि वार्षिक परीक्षाएं अलग अलग ली जाएंगी। हालांकि इसको लेकर कई स्कूल आज अपनी स्थिति स्पष्ट करने वाले हैं। हालांकि स्कूलों ने यह साफ कर दिया है कि कुछ स्कूलों में ऑनलाइन परीक्षाएं ली जाएंगी, तो वहीं कुछ स्कूलों में ऑफलाइन परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने निकाली रिक्तियां। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर ने सीनियर रेजिडेंट के कुल मिलाकर 112 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास MBBS या MS या MD या DNB की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 10 मार्च 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.aimsraipur.edu.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बिहारवासियों को अब ट्रेन के बाद बस के किराए में भी लगेगा झटका। बिहारवासियों को अब एक और महंगाई की मार का सामना करना बाकी है। ट्रेन की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद अब बस के किराए में भी लोगों को अपनी जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। खबरों की माने तो प्रदेश में बस यात्रा 25% महंगी होने वाली है। बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने यात्री किराए में 25% महंगी होने की बात कही है। सब कुछ अगर सही रहा तो इस नए किराए को 15 मार्च से लागू कर दिया जाएगा। इसको लेकर हाल ही में बैठक का आयोजन करवाया गया था। बैठक में यह कहा गया है कि 19 से 28 फरवरी के बीच डीजल में प्रति लीटर 20 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इसके आगे बढ़ने की आशंका है। ऐसे में गाड़ी के कागजात बनाने की सरकारी फीस भी बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर दिखा जश्न का माहौल। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन को लेकर भी जदयू पार्टी में जोर शोर से तैयारियों का सिलसिला जारी है। आज ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि जदयू ने अपने मुखिया के जन्मदिन को लेकर इतनी भव्य तैयारी की है। इतना ही नहीं, पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता बूथ स्तर पर सेलिब्रेशन करते भी नजर आ रहे हैं, जिसके तहत जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह खुद आज जदयू स्थित अपने पोलिंग बूथ पर मौजूद रहकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन को मनाने वाले हैं। इस बाबत उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दीर्घायु की कामना के साथ ही अलग अलग जगहों पर जन्मदिन की धूमधाम से मनाने की बात भी कही है। अब स्कूलों में संक्रमण से बचाव के लिए बनाए जाएंगे सख्त नियम। बिहार में जूनियर सेक्शन को छोड़कर कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई लगभग स्कूलों में शुरू हो गई है, जिसके तहत अब छात्रों को संक्रमण से बचाना और समय पर सिलेबस पूरा करवाना स्कूल की अहम जिम्मेदारी हो गई है। इसी क्रम में अब छात्रों के सेहत को ध्यान में रखते हुए स्कूल परिसर में बच्चे सुरक्षित हो, कोरोना संक्रमण से बचे रहे, इसके लिए अब स्कूल की तरफ से छात्र और छात्राओं का नियमित चेकअप किया जाएगा। इसके लिए हर बच्चे का हेल्थ कार्ड बनेगा। इस कार्ड से नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हर महीने किया जा सकेगा। इसकी शुरुआत नए सत्र से स्कूलों में होगी। इससे संबंधित दिशा निर्देश भी भेजे जा रहे हैं। ज्ञात हो छात्रों में स्वास्थ्य संबंधित किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए नियमित जांच पड़ताल की जाएगी। बिहार पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशियों को कानूनी मदद देगी भाजपा। बिहार पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान अभी नहीं हो सका है। वहीं इस चुनाव को लेकर भाजपा ने भी अब अपना बयान जारी कर दिया है, जिसके तहत केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हाल ही में बिहार में आयोजित होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर कहा है कि पार्टी के चुनाव आयोग सेल के लिए जिला स्तर पर अधिवक्ताओं की टीम का गठन किए जाने की तैयारी शुरू करने की बात हो रही है, जिससे कि आने वाले समय में सहयोग प्रदान किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने सेल से जुड़े अधिवक्ताओं को भी सुझाव दिया है कि पंचायती कानून का बारीकी से अध्ययन किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने सभी प्रत्याशियों को गाइडलाइन की पूरी जानकारी रखने की भी हिदायत दी है, ताकि जरूरत पड़ने पर कानूनी सहयोग दिया जा सके। बिहार के मस्जिदों में पढ़ाने वालों को मिलेगा मानदेय। बिहार के मस्जिदों में नमाज पढ़ाने वाले पेशर माम और मुअज्जिन अजान देने वालों को सरकार ने बड़ी खबर जारी की है, जिसके तहत बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 1057 रजिस्टर्ड मस्जिदों के पेशे इमाम और मुइज़िनों को मानदेय देने का फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार पेशे इमाम को हर महीने 15,000 रुपए तो वहीं मुइज़िन को 10,000 रुपए मानदेय दिया जाने का आदेश दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मानदेय देने के इस फैसले को लेकर अल्पसंख्यक विभाग ने बैठक की थी, जिसमें विभाग के सचिव सफीना, AN निदेशक AAA फैजी, बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद इरशादुल्लाह और CEO खुर्शीद सिद्दीकी मौजूद थे। 6 मार्च को फिर से पेशे इमाम और मुइज़िनों को मानदेय देने के मामले को लेकर बैठक होगी। रियल एस्टेट कंपनियों के मनमानी पर रेरा ने कसी लगाम। रियल एस्टेट कंपनियों की मनमानी से बिहार में अब तक कई सारी शिकायतें देखने को मिली है। हालांकि अब ऐसे कंपनियों की मनमानी पर रेरा ने लगाम लगाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत रेरा ने साफ कर दिया है कि अब किसी भी रियल एस्टेट कंपनी द्वारा बगैर रेरा के रजिस्ट्रेशन करवाए सोशल मीडिया पर फ्लैटों की बुकिंग ऑफर या प्रचार करती है तो
उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेरा की तरफ से जारी निर्देश के अनुसार केवल प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया गया इस तरह का प्रचार प्रसार ही अवैध नहीं है। इसके साथ ही निर्माण कंपनी इस तरह के मामलों में सोशल मीडिया का भी सहारा नहीं ले सकती। रेरा के अधिकारी की माने तो अखबार या किसी प्राइवेट चैनल पर प्रचार प्रसार करने के लिए निर्माण एजेंसी को राशि का भुगतान करना पड़ता है, जबकि सोशल मीडिया पर प्रचार निःशुल्क है। तेजस्वी यादव समेत बिहार के कई नेताओं ने दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं। वहीं उनके जन्मदिन को लेकर सुबह से बधाई देने वालों का तांता देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी आज सुबह सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके जन्मदिन की बधाई दी है, जिसके तहत तेजस्वी यादव ने नीतीश के स्वास्थ्य, सुखी और दीर्घायु जीवन की कामना की है और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। हालांकि सबसे हैरान करने वाली बात यह दिखी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने में तेजस्वी यादव सबसे आगे निकले, क्योंकि नीतीश कुमार के कैबिनेट की मंत्रियों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई नहीं दी थी, लेकिन तेजस्वी ने उनसे पहले ही जन्मदिन की बधाई दे दी। तेजस्वी यादव ने सुबह 6 बजे उठते ही ट्विटर के जरिए नीतीश कुमार को बधाई संदेश देने का काम किया था। बिहार के 700 सेंटरों पर आज दिए जाएंगे कोरोना वैक्सीन। कोरोना को पूरी तरह से खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां देखने को मिल रही है। इस बाबत लगातार टीकाकरण का काम भी तेजी से करवाया जा रहा है। ऐसे में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद आज से आम लोगों की टीका लगाने की बारी है। राज्य सरकार ने इस बाबत यह फैसला लिया है कि सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में मुफ्त में कोरोना के टीके लगाए जाने का काम किया जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह ऐलान किया है कि टीकाकरण होगा, जिसमें लोगों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि निजी अस्पतालों में टीकाकरण के लिए 250 रुपए शुल्क देने का ऐलान किया गया था। हालांकि बिहार में टीकाकरण के शुल्क का भुगतान राज्य सरकार अपने मद से खुद करेगी। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 4 दशकों में बढ़ेगा हीट वेव। अगले 4 दशकों में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गर्मियों का सितम आम नागरिकों को और ज्यादा झेलना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे को देखते हुए ही CUSV के पर्यावरण विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर प्रधान पार्थ सारथी ने अपने ताजा रिसर्च में इसको लेकर दावा किया है। उन्होंने साल 1951 में साल 2010 तक की अवधि में भारत की सतह के तापमान का अध्ययन कर अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि बीते दशकों में गर्मियों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने सर्दियों में बढ़ते न्यूनतम तापमान के खतरे से आगाह करते हुए कहा है कि इसका असर सर्दी के मौसमी फसलों पर भी पड़ेगा। गेहूं में नए तरह के कीट लगेंगे और पैदावार प्रभावित होगी। बंगाल चुनाव को लेकर ममता दीदी से आज मिल सकते हैं तेजस्वी यादव। बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं चुनाव को लेकर बिहार की भी कई पार्टियों की दिलचस्पी बंगाल में देखी जा रही है, जिसमें से एक है राजद पार्टी। राजद भी अब बंगाल चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाली है, जिसके तहत ही आज तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात कर सकते हैं, जिसके बाद आगामी चुनाव में बंगाल में राजद TMC के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरती देखी जा सकती है। हालांकि राजद असम में पार्टी AIUDF, कांग्रेस सहित कई अन्य दलों के गठबंधन में शामिल होकर चुनावी मैदान में उतरेगी। आपको बता दें तेजस्वी यादव अपने 4 दिवसीय दौरे के लिए बीते दिन ही कोलकाता पहुंच गए थे। चिराग पासवान ने जल्द ही नीतीश सरकार के गिरने का किया दावा। लोजपा अध्यक्ष भले ही केंद्र में भाजपा के हितैषी माने जाते हैं, मगर बिहार में वो जदयू के धुर विरोधी की भूमिका निभाते नजर आते हैं, जिसके तहत लोजपा अध्यक्ष एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं सरकार की निंदा करने का। इसी क्रम में अब चिराग पासवान ने एक बार फिर से नीतीश सरकार के खिलाफ बयानबाजी की है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन मीटिंग बुलाई थी, जहां पर उन्होंने कहा कि सूबे में नीतीश कुमार की सरकार अधिक दिनों तक नहीं चल पाएगी। उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने में जुट जाने को कहा है। साथ ही कहा है कि हमें अगले चुनाव के लिए गठबंधन की चिंता नहीं है, इसकी चिंता तो उन्हें करनी चाहिए जो हमारे कारण हारते हैं। चौथे टेस्ट की तैयारियों में जुटी टीम इंडिया। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैच की सीरीज का आखिरी मैच 4 मार्च से अहमदाबाद में खेला जाना है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में सीरीज का 3रा मैच भी खेला गया था, जिसे भारत ने 10 विकेट से जीत लिया था। तीसरा टेस्ट मैच महज 2 दिन में खत्म हो गया था, जिसके चलते टीम इंडिया को आखिरी टेस्ट से पहले कुछ दिन आराम भी मिल गया है। भारत सीरीज में 2-1 की अजेय बढ़त बना चुका है और अगर आखिरी टेस्ट नहीं हारता है तो ICC वर्ल्ड कप चैंपियनशिप की फाइनल में पहुंच जाएगा। इंग्लैंड इसके दौर से पहले ही बाहर हो चुकी है, लेकिन अगर इंग्लैंड आखिरी टेस्ट जीत लेती है तो ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचेगा। वहीं अब टीम वापस से मैदान में लौट चुकी है, जहां पर सभी टीम प्रैक्टिस करते भी देखे गए हैं। विदेशी एक्ट्रेस लॉरेन गॉटली के साथ भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने मचाया धमाल। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह का इन दिनों उनका होली सॉन्ग काफी वायरल हो रहा है। यह हिंदी होली सॉन्ग पिछले साल रिलीज हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि पवन के वायरल हो रहे इस होली सॉन्ग में ABCD मूवी फेम एक्ट्रेस लॉरेन गॉटली डांस करते हुए दिखाई दे रही है। भोजपुरी स्टार के म्यूजिक एल्बम में अमेरिकी मूल की एक्ट्रेस और सिंगर लॉरेन में देसी स्टाइल में थिरकते दिखाई दे रही है। वीडियो की शुरुआत पवन सिंह के ठाट-बाट से शुरू होती है। हालांकि इस गाने के रिलीज होने के बाद पवन सिंह लॉरेन के ठुमकों की हर कोई तारीफ कर रहा है। दोनों की केमिस्ट्री कमाल की दिख रही है। गाने को पवन सिंह ने
पायल सिंह के साथ मिलकर गाया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में आम नागरिकों के लिए टीका मुफ्त करने के फैसले के बाद टीका लेने वाले व्यक्तियों की संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।